हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एस आर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने थ्री लॉ दिए थे, जो कौन से हैं? फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। थर्ड लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इन तीनों लॉ को इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसने बताया था। न्यूटन्स ने ये लॉ क्यों दिए थे? जैसे कि जो नेचर है, इसमें जितने भी चेंजमेंट होते हैं, जैसे वृक्ष से पत्तियाँ गिरती है, हम ग्राउंड के ऊपर चलते हैं, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है। तो उसने नेचर के अंदर जितने चेंजमेंट आ रहे हैं उसको देखते हुए अपने ला दिए थे। तो ये कितने ला थे? तीन ला दिए थे न्यूटन्स ने, जिसके फर्स्ट ला में उसने क्या बताया था? देखो, ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है ये मैं अभी बताऊंगी इसी वीडियो में। देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई टू इट। देखो, इसने अपने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला था? जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। मीनिंग है कि अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी अगर वो रेस्ट की पोजिशन में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में है, तब भी वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको करवाऊँ। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, जैसे कि जो टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो वो बुक क्या है? एक रेस्ट के पोजिशन में है। ठीक है, कि एक ये टेबल है, मेज के ऊपर बुक रखी है यहाँ पे, तो ये बुक क्या है? एक रेस्ट की पोजीशन में है। ये जब तक रेस्ट की पोजीशन में रहेगी तब तक जब हम इसको उठाते नहीं है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से उठाएंगे तो हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया है अपने हाथों से। तो वो जो, जैसे कि हमने बुक को मेज के ऊपर से उठाया तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा, तब जाके इसकी पोजिशन, इसकी जो रेस्ट की पोजिशन थी वो चेंज हुई है। मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और रेस्ट में, वो तब तक अपनी पहले वाली अवस्था में रहेगा जब तक उसके ऊपर बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ऐसे ही क्या है, जैसे कि कोई भी बॉल है, वो ऐसे हमने क्या कर दिया कि ये पेन ही लगा लो, ये पेन ऐसे किया, ये पेन यहाँ से मोशन में आया स्ट्रेट लाइन में, जब तक हम यहाँ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ये रेस्ट की पोजीशन में नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ये पेन यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन में आ रहा था, भी सेम स्पीड से आ रहा था, आगे इसके यहाँ पे फोर्स लगा दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया गया है। तो बट एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा होगा दिमाग में कि जैसे हम इस पेन को यहाँ से करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ये अपने आप रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेन है और नीचे का जो सरफेस है, इनके बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, इसके मूवमेंट को रोकता है। तो इसका मीनिंग भी क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो क्या है कि जब तक यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तब तक वो स्टॉप नहीं होगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता, भी सेम स्पीड से आना। नॉन यूनिफॉर्म होती है ऐसे कि कभी तेज हो गया, कभी कम, कभी तेज, ये नहीं बोल रही मैं। यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है कि वो जब तक मोशन में रहेगा तब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये तो दिया था उसने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताया था। देखो, जो ये फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडीज और ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। देखो, इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो उसको, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रखता है, मोशन में है तो वो उसको मोशन में रखने की कोशिश करता है, वही क्या होता है, उसका इनर्शिया होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि जैसे ये बुक है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो इसके इनर्शिया की वजह से यहाँ पे ये रेस्ट की उस पोजिशन में है। ठीक है, इनर्शिया का मीनिंग होता है कि उस किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की टेंडेंसी जो उसे ओरिजिनल स्टेट में रखे। ठीक है, तो इनर्शिया कितने टाइप्स का होता है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगी इनर्शिया क्या है और इसके टाइप। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ओनली करेंगे न्यूटन्स लॉ। तो देखो, सेकंड लॉ समझने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अब देखो क्या है न्यूटन सेकंड लॉ।
न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसने क्या बताया था, क्या स्टेटमेंट दी थी इसने अपने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग? इसने कहा था न्यूटन ने, द फोर्स अप्लाई टू ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। देखो इसने ये बोला है कि जब जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे हम, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा, वो लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस फोर्स के। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई टू ए बॉडी। ठीक है, मतलब जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, उसके मोमेंटम में उतना ही चेंजमेंट आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीपी बाई डीटी। देखो क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp by dt, p क्या है यहाँ पे मोमेंटम है। ओके, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे जो क्या है, k है। ओके, देखो इसमें रिलेशन भी पूछा जाता है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट और फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम क्या होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपी बाई डी टी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। तो देखो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज किया है, के। के क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, तो एफ इज इक्वल टू के डीपी बाई डी टी आया है। तो पी क्या है यहाँ पे, पी है लिनियर मोमेंटम, के क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, तो देखो क्या होता है, हमें पता है कि जो लिनियर मोमेंटम होता है पी, वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो जो इक्वेशन ये फर्स्ट थी, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू के डी बाई डी टी, पी की जगह पे पुट किया हमने एम वी। ओके, तो के तो कांस्टेंट था, तो इसकी जगह पे हम वन पुट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी। ठीक है, बट जो m है वो भी एक कॉन्स्टेंट का काम करता है, अभी इसमें चेंजमेंट नहीं आता क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो अब देखो जो डी वी बाई डी टी है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो डी वी बाई डी टी की जगह पे हम पुट कर देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और जो ये एक्सेलरेशन और फोर्स है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जिसे मैं अच्छे तरीके से करवा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ से रिलेशन क्या निकला है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आया है। ठीक है, तो देखो मास इंटू एक्सेलरेशन आया, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, जितना ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे, मान लो यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया है इन सेम डायरेक्शन भी, जिस साइड में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में किया है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतने ही एक्सेलरेशन से ये क्या होगा, मूव करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट अगर हम इसके अपोजिट में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन की साइड ये है और फोर्स की साइड ये है, तो दोनों अपोजिट है, तो इसके मोशन में क्या होगा, डिक्रीमेंट आएगा। ओके, एक क्या है यहाँ से कि जो क्या होती है ये, अगर फोर्स को हम डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन भी डबल होगी, फोर्स को हम कम करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स और ये एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के भी, जितना चेंजमेंट फोर्स में आएगा उतना ही इसकी एक्सेलरेशन में आएगा। ठीक है, इसके मैं एग्जाम्पल करवाऊँ, देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा कि फोर्स दुगना होगा तो एक्सेलरेशन भी दुगनी होगी। ओके, तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि एक स्प्रिंग है यहाँ पे, सॉरी स्प्रिंग नहीं, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट बॉल है। ठीक है, देखो एक बात आपने देखी होगी कि जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, जो क्रिकेट प्लेयर है वो बॉल को कैच करते हैं तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्रिकेट प्लेयर है, ये डायरेक्टली इस बॉल को कैच नहीं करते, बॉल को कैच करने के लिए क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों, देखो जैसे कि ये क्रिकेट की बॉल यहाँ से आ रही है, सेम है दोनों बॉल, जैसे ये नीचे आ रही है तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या थी, एक्सेलरेशन होती है डी वी बाई डी टी के, जैसे ही बॉल ऊपर से आई है इसकी स्पीड ज़्यादा, अगर हम डायरेक्टली इसको यहाँ से कैच करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, भी इसका टाइम तो कम लेगी, ये अपने हमारे हाथ तक पहुँचने के लिए टाइम कम लेगी, क्योंकि एफ क्या होता है,
एम एक्सेलेरेशन की जगह पे हम डीवी बाई डीटी पुट कर सकते हैं। देखो जैसे ही इसका टाइम कम होगा, क्योंकि टाइम और फोर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। क्यों लिया टाइम कम? क्योंकि उसकी एक्सेलेरेशन ज़्यादा थी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। तो देखो जैसे ही ये बॉल तेज़ी से हम इसको एकदम से कैच करेंगे तो हमारा फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो इसकी वजह से हम क्या है, हमारे हाथ पे चोट लग सकती है। बट जैसे जैसे हम इस हाथ को पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ से बॉल यहाँ तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसका मीनिंग क्या है, फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो इसकी वजह से क्या होता, हमें चोट नहीं लगती। इसलिए क्या होता है कि जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं वो बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे लेके जाते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि इसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। क्यों? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने यही तो बताया था भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। क्या पता चला है कि जैसे तेज गति से बॉल आ रही है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बट जैसे ही हम अपने हाथ को पीछे लेके जाते हैं, हाथों को पीछे खींचते हैं, तो जो गेंद है उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो पहले से कम हो जाती है। तो एक्सेलेरेशन पहले से कम होगी तो उसको रोकने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यही है, यही रीजन होता है कि जो क्रिकेट प्लेयर है वो बॉल को कैच करते समय अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक है। इसका मैं सेकंड एग्जांपल करूं जो बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं कि हम क्या करते हैं। मान लो एक तो ट्रक है, एग्जांपल से समझना, एक ट्रक है, एक कार है, ठीक है, ये दो हैं, ट्रक और कार है। तो देखो जैसे ही हम पुश करते हैं सेम फोर्स से, सेम फोर्स हमने ट्रक के ऊपर लगाया, सेम फोर्स हमने कार के ऊपर लगाया, ठीक है। तो जो ट्रक के ऊपर हमने फोर्स लगाया और कार के ऊपर लगाया तो इसका मीनिंग क्या है, जो ये कार है इसकी एक्सेलरेशन तो होगी, ठीक है भाई। जैसे हम पुश करेंगे दोनों में इसके ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कार में क्या होगी, कुछ बहुत एक्सेलरेशन होगी, ट्रंक के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस कार का जो वेट है, वो मास है, वो कम है। तो इसका क्या है, जैसे कि फोर्स हमारा क्या आया था, मास इंटू एक्सेलरेशन आई थी, ठीक है, यही होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मास कम है तो अगर उस किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम हम फोर्स अप्लाई करते तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अगर मास ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम होती है। क्यों होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, इफ़ यू यूज द सम फोर्स टू पुश ए ट्रक एंड कार तो द कार विल हैव मोर एक्सेलरेशन एज कम्पेयर टू ट्रक बिकॉज कार हैज लेस मासेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि कार के कंपैरिजन में ट्रक की एक्सेलरेशन कम क्यों होती, क्योंकि ट्रक का जो मास है वो ज़्यादा होता है किससे, कार से। इसलिए इसको, इसमें एक्सेलरेशन देने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, बट कार के कंपैरिजन में इसका फोर्स ज़्यादा होना चाहिए तभी जाके इसमें एक्सेलरेशन आएगी। सेकंड एग्जांपल मैं करवाऊँगी, दो पर्सन हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है, दो पर्सन हैं, एक ए और बी दोनों वॉक कर रहे हैं, ठीक है। सपोज टू पर्सन आर वॉकिंग अमंग ऑफ टू इफ वन इज हैवियर देन अनदर, कि दो पर्सन है दोनों वॉक कर रहे हैं, ये ज़्यादा हैवी है, वन इज हैवियर देन बी से, बी का वेट ज़्यादा है बी से, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका वेट ज़्यादा है तो ये स्लोली मूव करेगा, ठीक है, इसका वेट ज़्यादा है तो ये स्लोली मूव करेगा। क्यों करेगा, जिसका वेट ज़्यादा है स्लोली मूव, क्योंकि इसकी जो एक्सेलरेशन होती है क्या होगा, बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन वेट इज हायर, ठीक है भी, क्या होता है, जिसका वेट ज़्यादा होता है उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, और जिसका वेट कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। जो मैं ऊपर से बता चुकी हूँ, क्या बताया मैंने इस एग्जांपल में, कि दो पर्सन ए और बी, ए ज़्यादा हैवी है बी से, मतलब इसका मास ज़्यादा है, तो इसका मास ज़्यादा होने की वजह से इसकी एक्सेलरेशन कम होगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के, ठीक है। मीनिंग ये है कि हायर एक्सेलरेशन ओ पर्सन वेट इज लाइटर, ठीक है। तो ए का जो मास है वो ज़्यादा है तो ये स्लोली मूव करेगा, क्यों, मास ज़्यादा होने की वजह से इसकी एक्सेलरेशन कम है, इसके जो मोमेंटम में चेंजमेंट आएगा वो कम है। बट बी का वेट क्या है, कम है, इसीलिए क्या होगा, इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो ये फास्टली मूव करेगा। तो ये एग्जाम्पल थे किसके, न्यूटन सेकेंड लॉ के, ठीक है। तो अब मैं आपको करवाऊंगी न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताया गया था, जिसका अनदर नेम क्या है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने सीखा है फोर्स का मेजरमेंट, जो मैंने दो तीन एग्जांपल से आपको समझाया है, ठीक है। तो देखो क्या है,
न्यूटन के थर्ड लॉ का अनदर नेम क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, एक्शन का मीनिंग क्या है? जैसे कि हम इफेक्ट डाल रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे ऊपर भी फोर्स लगाना क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट एंड डिफरेंट बॉडी। देखो इसने क्या कहा कि जितने भी एक्शन होते हैं उनके अपोजिट और इक्वल अमाउंट में रिएक्शन होता है। ठीक है, और ये दोनों डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर हमने कुछ भी सामान रख रखा है, तो वो सामान इस बॉक्स के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई करेगा जिसको हम एक्शन बोलते हैं। बट इस बॉक्स के द्वारा भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में कुछ एक फोर्स लगाया जाएगा जिसको क्या बोला जाता है? रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ए पर्सन हु इज वॉकिंग और रनिंग अप्लाई न्यूटन थर्ड लॉ। कि जैसे कि कोई भी पर्सन है जो वॉकिंग या रनिंग कर रहा है किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूटन का। कैसे है, जिसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। देखो एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई भी पर्सन मूव कर रहा है या रनिंग कर रहा है। ठीक है, जैसे ये पर्सन यहाँ से मूव करेगा, ये क्या करता, अपने पाँव को आगे रखता जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि इस पर्सन ने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है जिसकी वजह से इसने क्या किया, इस ग्राउंड को पुश किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स को पुश किया है डाउनवर्ड में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुशेस बैक एंड डाउन ऑन ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर इसने क्या भी नीचे की तरफ फोर्स लगाया है और इस ग्राउंड को पुश किया है बैकवर्ड में। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड केस में देखो, ये तो इसका एक्शन हो गया कि कोई व्यक्ति जब ग्राउंड पे चल रहा है, ये उसका एक्शन, तो ग्राउंड पे तो इसके अपोजिट रिएक्शन शो करेगा, तो वो क्या होगा? जो ग्राउंड शो करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, अपवर्ड में है, तो ये इसके अपोजिट फोर्स होगा। तो क्या होगा, यहाँ से ग्राउंड पुशेस फॉरवर्ड एंड अप ऑन रनर या फिर वॉकिंग। ठीक है, तो ग्राउंड ने क्या किया है, जो रनर है इसके ऊपर जो रन कर रहा है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, अभी आगे की तरफ धकेला है। देखो जो रनर है उसने ग्राउंड किक को तो पीछे की ओर धकेला है, बट इसके अपोजिट में ग्राउंड ने रनर को आगे की तरफ धकेला है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे रनिंग पॉसिबल हुई है। तो ये एग्जांपल है कि इसका एक्शन और रिएक्शन का भी, पर्सन ने तो एक्शन दिखाया ग्राउंड पे, इसके अपोजिट में ग्राउंड ने इसके ऊपर रिएक्शन दिखाया जिसकी वजह से क्या हुआ है, रनिंग पॉसिबल हुई है। ठीक है, ऐसे ही सेम केस होता है रॉकेट में। जैसे रॉकेट मूव करता है, आपने देखा होगा कि रॉकेट मूव करता है फॉरवर्ड। ठीक है, रॉकेट मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो क्यों करता है, जैसे कि ये रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये है इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन से ये क्या कर रहा है, गैस को छोड़ रहा है, एक्सपेलिंग गैस ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन हाई वेलोसिटी से। ठीक है, देखो क्या हुआ, इसने बैकवर्ड डायरेक्शन से गैस को छोड़ा है, जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग है कि रॉकेट ने लार्ज फोर्स एग्जर्ट किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में, किसके ऊपर, गैस के ऊपर। तो इसके अपोजिट में जो रॉकेट का कंबशन चैम्बर होता है वहां से इन्हें क्या किया है कि इस गैस पे अपना फोर्स एग्जर्ट किया है, बट इसके अपोजिट में गैस ने भी तो लार्ज रिएक्शन दिखाया है इसके फोर्स के अपोजिट में, तो उस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ है, ये जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। मीनिंग ये है मेरा समझाने का कि जो रॉकेट मूव करता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन से गैस को छोड़ता है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो फोर्स है उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में गैस के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई किया, और इसके अपोजिट रिएक्शन किसने दिखाई है, गैस के फोर्स ने, क्योंकि गैस भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से रॉकेट क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप कैसे बोलोगे इसको, रॉकेट मूव फॉरवर्ड बाय एक्सपेलिंग गैस बैकवर्ड एट हाई वेलोसिटी। This means the rocket exert a large backward force on the gas in the rocket combustion chamber. Therefore, gas exert large reaction force forward on the rocket. ठीक है, तो गैस ने भी उसके ऊपर क्या किया है, फोर्स लगाया है। तो ऐसे क्या होता है, रिक्वायलिंग, जैसे कि गन है वो रिक्वायल क्यों करती है, तो क्या होता है, जैसे ही गन का ट्रिगर दबाया जाता है, जो बंदूक होती है, बंदूक की गोली को, जैसे बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो हमारे कंधे में झटका लगता है, उसका रीजन क्या है, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है कि जैसे क्या होता है, बंदूक का ट्रिगर दबाया जाता है, ट्रिगर ने क्या किया, उस जो इसकी बुलेट थी उसके ऊपर फोर्स लगा, तो बुलेट क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी, तो वो गोली आगे जाएगी, बट जो गोली है वो भी तो जैसे ट्रिगर ने इस पर फोर्स लगाया है अपना रिएक्शन दिखाएगी इस गन के ऊपर।
ठीक है, ट्रिगर ने फोर्स लगाया है गोली पे, गोली आगे गई बट गोली ने भी तो क्या किया इसके ऊपर अपना फोर्स दिखा जिससे बंदूक पीछे जाएगी, जिससे हमारे कंधे में झटका लगता। तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। ओके, तो देखो ऐसे ही क्या है, एक और मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूं कि हम नाव में बैठे हैं, नाव जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं पानी को पीछे छोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाव फोर्स लगाती है फॉरवर्ड में, तो वो क्या करता है कि नाव ने जैसे चला सेम वैसे जैसे हम ग्राउंड पे चलते हैं, नाव ने फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है, बट पानी भी तो नाव पे फोर्स लगाएगा जो उसको पुश करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से नाव आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, न्यूटन के तीनों लॉ समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से इनको समझाऊं विद एग्जांपल। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम रहती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।